हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे सीताफल की सब्जी, जिसे पम्पकिन भी कहते हैं और कद्दू भी कहते हैं। सीताफल की सब्जी बड़े ही आसान तरीके से बन जाती है। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और खाने में स्वादिष्ट होता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये कद्दू लिया है, ये 1 किलो कद्दू है। हम आधी कद्दू की ही सब्जी बनाएंगे, इसलिए इसको हम आधा काट कर हटा देंगे। अब इसके हम 4 टुकड़े करेंगे और इसका छिलका निकाल कर हटा देंगे और इस तरह से इसको हम काट लेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे। कद्दू को हमने धो लिया है। अब इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, ये देखिए, 1 प्याज, 2 टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 लहसुन की कलियां, तेज पत्ता, नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और हींग। कुछ सरसों के दाने भी हम लेंगे जो हमने भिगोकर रखे हैं। अब एक ग्राइंडर जार लेंगे, सरसों जो हमने भिगोकर रखे हैं वो इसमें छानकर डाल देंगे, प्याज के टुकड़े काट कर डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे और अदरक भी। इसको हम बारीक पीस लेंगे। अभी हम इसमें पानी डालेंगे और पीस लेंगे। ये देखिए, मसाले का हमारा फाइन पेस्ट बन गया है। अब दूसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं। कद्दू में हम थोड़ा नमक और हल्दी पाउडर डालकर इसको इस तरह से मिला लेंगे और ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब हम कढ़ाई गैस पर रखेंगे। इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इसमें पंचफोरन डालेंगे। ये पंचफोरन में जीरा, मेथी, कलौंजी, अजवाइन और सौंफ है। 1 पिंच हींग डालेंगे। तेज पत्ता इसे मिक्स कर लेंगे। ये हमारी चटक गई है। अब इसमें हम ये प्याज सरसों वाला मसाला डाल देंगे और इसे भून लेंगे। अब इसमें हम टमाटर काट कर डाल देंगे और जैसे ही हमने टमाटर डाला है तो नमक भी हमें डालना ही है, तो हम नमक भी डाल देंगे जिससे टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए और गल जाए। इसको अब हम आधे मिनट तक ढककर पकाएंगे। आधा मिनट हो चुका है, ये देखिए टमाटर हमारा गल गया है। इसमें अब हम हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डाल देंगे और इसे भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे ये कद्दू जिसमें हमने नमक हल्दी मिलाकर रखा था। अब इसे मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढककर 2 मिनट इसे हम पकाएंगे जिससे ये नरम हो जाए। 2 मिनट हो गए हैं, इसे हम चेक कर लेते हैं। कद्दू हमारी एकदम नरम हो गई है और मसालों के साथ बढ़िया से मिक्स हो गई है। खुशबू भी अच्छी बहुत आ रही है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हम उसी हिसाब से डालेंगे जिस प्रकार की हमें ग्रेवी रखनी है। इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अब इसे चेक कर लेते हैं। सब्जी हमारी बन गई है। इसमें हम कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसे मिला देंगे। अब हम डालेंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया। सब्जी तो हमारी बनकर तैयार है। इसको आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। आप भी इसे ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।